क्या बात है, ऐसे ही करते रहोगे या फिर कुछ और भी करोगे? करना तो बहुत कुछ चाहता हूँ मेरी जान। क्या हुआ? एक मिनट एक मिनट अरे आओ ना। एक मिनट, मैं वॉशरूम से आता हूँ। आकाश क्या हुआ? मेरी तो किस्मत ही खराब है, लगता है आज फिर से ऐसे ही सोना पड़ेगा। आज फिर कुछ तो करना पड़ेगा, ऐसे तो नहीं चल सकता। इतने अच्छे समुंदर में डुबकी लगाने का मौका मैं तो कभी नहीं छोड़ सकता। अरे कामिनी, तुम तो ऐसे इमोशनल हो रही हो जैसे कोई नई नवेली दुल्हन होती हो। अरे मैं तो सिर्फ 10 दिनों के लिए जा रहा हूँ ऑफिस के काम से। अच्छा सुनो, अगर काम जल्दी खत्म हो गया तो मैं जल्दी लौट कर आऊंगा, ठीक है? पक्का पक्का, भाभी का ध्यान रखना, ओके? भैया आप भाभी की चिंता मत करो, मैं हूं ना इनका बेस्ट देवर। चलो मैं निकलता हूँ, लेट हो रहा है। ओके ठीक है, बाय, बाय, टेक केयर, बाय, ख्याल रखना अपना। मेरे पैसे कब दे रहा है? प्रकाश भाई मुझे थोड़ा सा टाइम दे दो, मैं तुम्हारे पैसे जल्दी लौटा दूंगा। थोड़ा थोड़ा टाइम मांगकर तू मेरे पूरे 4 महीने खराब कर चुका है। मुझे 2 दिन में पूरे पैसे चाहिए, वरना समझ तेरी जिंदगी की इनिंग खत्म। प्रकाश भाई टेंशन मत लो, मैं कुछ करता हूँ। क्या करूँ, ये तो ऐसे मानेगा नहीं। कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और बता, तेरी सेक्स लाइफ कैसी चल रही है? अब काव्या तुझे क्या बताऊं? शादी के 2 साल हो जाने के बाद भी पति का सुख क्या होता है ये तो मुझे आज तक पता नहीं चला। आकाश मेरे मन को तो खुश रखता है, लेकिन पता नहीं वो दिन कब आएगा जब वो मेरे तन मन दोनों को खुश रखेगा। चल वो सब छोड़, तेरा बता, तेरा पति तो बड़ा हैंडसम है, ऊंचा लंबा। यार शक्ल से क्या होता है, बस दिखने में हैंडसम है, बाकी तो वो भी कुछ नहीं कर पाता है, कुछ होता ही नहीं उनसे भी। मैं भी बहुत परेशान हूँ यार। फिर क्या करती है फिर तू? मैं अपने दर्द के लिए कहाँ जाऊँ, मुझे यही समझ में नहीं आता है। एक बात पूछू, मैं तुझे कैसी लगती हूँ? यार तू मुझे बहुत अच्छी लगती है। मैं तुझे कैसी लगती हूँ? मुझे ना तू बहुत सेक्सी लगती है, और हॉट तो तू वैसे भी बहुत है, अब क्या बोलूं। अच्छा सुन ना, कुछ नया ट्राई करें क्या? अब क्या करें, दोनों के पतियों से कुछ नहीं हो रहा है तो फिर हम दोनों को कुछ करना पड़ेगा। चल फिर। तू मेरा सुख, मैं तेरा सुख, क्या कहती है? Thank you.
आइए बैठिए यहाँ पर। क्या हुआ विक्की? बैठ जाइए। तुम इतने परेशान क्यों लग रहे हो? क्योंकि मुझसे आपकी परेशानी देखी नहीं जाती। अब परेशानी? भला मुझे क्या परेशानी हो सकती है? तुम्हारे भैया के रूप में मुझे मेरे हस्बैंड मिले हैं, भला मुझे और क्या चाहिए? भाभी, एक औरत की जरूरत सिर्फ अच्छा हस्बैंड मिलने से पूरी नहीं हो जाती है। तुम कहना क्या चाहते हो विक्की? वही जो आप मुझसे छिपा रही हैं भाभी। भाभी, मैंने आप और आपकी सहेली को बातें करते हुए सुना था। विक्की देखो, तुम्हारे भैया जैसे भी हो, मैं उनके साथ बहुत खुश हूँ। भाभी, मेरी आंखों में आंखें डालकर बोलो कि आप भैया के साथ वाकई खुश हैं। भाभी बोलो ना, प्लीज। भाभी को मेरी बात माननी ही पड़ेगी, मुझे कैसे भी करके भाभी को मनाना ही पड़ेगा। बस एक बार। भाभी, आखिर तुमने मेरी बात मान ही ली? हाँ देवर जी, अब जरूरत भी तो कोई चीज होती है ना। अब भाभी एक मिनट, मैं बाथरूम से आता हूँ। अरे कहाँ? नहीं नहीं, मुझे जाने दो। अरे एक मिनट, तो मैं आता हूँ। मैं आता हूँ ना भाभी। लगता है सारा खानदान ही एक जैसा है, इसकी भी हवा फस। अब मेरा क्या होगा? कुछ नहीं हो सकता मेरा। देवर जी ये लो, दूध पी लो। भाभी दूध? मैं तो सुबह चाय पीता हूँ ना। हाँ पता है, लेकिन तुम्हें भी आकाश की तरह ताकत की जरूरत है, पी लो। वैसे देवर जी, कल सुबह आपको मेरी खुशी की बहुत फिक्र हो रही थी, और जब मैंने अपनी खुशी तुमसे मांगनी चाही, तुमने भी अपने भैया की तरह मुझे नाउम्मीद ही किया। पी लो। भाभी वो मैं दो रात से सोया नहीं था ना। जो जाग ना सके उसका सोना ही अच्छा है। विक्की! प्रकाश, अरे प्रकाश भाई, आप? मैं आपके पैसे लाने ही वाला था। मैं तेरे यहाँ चुटकुले सुनने नहीं आया हूँ, जल्दी से मेरे पैसे निकाल। प्रकाश भाई आप टेंशन मत लो, मैं जल्दी आपके पैसे लौटा दूंगा, प्लीज। भाभी आप अंदर जाओ। हॉट एंड सेक्सी? क्या मतलब तुम्हारा? तेरी भाभी तो बड़ी हॉट है यार। चल एक काम कर,
इसे एक रात के लिए मेरे पास सुला दे, तेरे सारे पैसे माफ कर दूंगा। प्रकाश तेरी इतनी हिम्मत? कल दोपहर को आ जाना, तुम्हारा काम हो जाएगा। ठीक है, मैं कल आता हूं। भाभी, मुझसे भैया से ना मिली खुशी तो क्या हुआ, लेकिन अब आपको आपकी खुशी जरूर मिलेगी। विकी, सब कुछ रेडी है? प्रकाश भैया, आप टेंशन मत लो, मैंने सब कुछ सेट कर दिया, भाभी अंदर है। पहली इंस्टॉलमेंट तो पूरी हो गई, अब बता दोबारा कब लेने आऊं? भाई जब आपका मन हो। ठीक है, कल बताता हूं। वैसे तेरी भाभी है बड़ी हॉट, तुझे कभी पैसे की जरूरत पड़े ना तो मुझसे मांग लेना। ठीक है भाई, झिझकना मत। हाँ बिल्कुल पक्का भाई। चल चलता हूं। क्या बात है, इतनी रात गए फोन करके मुझे बुलाया?
तुम्हें क्या लगता है तुम बहुत स्मार्ट हो? और जो तुम इतने दिनों से कर रहे हो उसका मुझे पता नहीं चलेगा? हाँ मुझे सब पता है, लेकिन क्या करूं, मुझे तुम्हारी आदत पड़ गई है, तुम हो ही ऐसे। सच में? तो ठीक है, आज इस रात को हम रंगीन बनाएंगे। विकी, ये तुम जूस में क्या मिला रहे हो? अब वो तुम्हारे हाथ में क्या है? ये तो वही जूस है ना जो तुम मुझे रोज पिलाते हो? हाँ अब दिखाओ, तुम्हारे हाथ में दिखाओ। बेहोशी की दवा? तो तुम रोज मुझे जूस में ये बेहोशी की दवा मिलाकर पिलाते हो, तभी मैं बोलूं कि मैं 4-4 घंटे दोपहर में सोती क्यों रहती हूँ? भाभी वो आप जैसा समझ रही हैं, वैसा कुछ भी नहीं है। कामिनी, आप तो 2 दिन बाद आने वाले थे ना, आप इतनी जल्दी कैसे आ गए? तुम्हारी याद जल्दी खींच लाई। विकी क्या हुआ? अरे तू तो ऐसे खड़ा हुआ जैसे तेरी कोई चोरी पकड़ ली गई हो। नहीं भैया बस ऐसे ही। अच्छा कामिनी मैं फ्रेश होके आता हूँ, ठीक है? जी क्यों देवर जी, आपके हथियार की तरह आपके चेहरे के तोते क्यों उड़ गए हैं? भाभी मैं आपको सब कुछ बताने ही वाला था, आज के बाद आपके साथ ऐसा कुछ भी नहीं होगा भाभी, प्रॉमिस। बस इस बारे में भैया से कुछ मत कहना प्लीज। ठीक है नहीं बताऊंगी, लेकिन तुम्हें भी मेरे साथ एक प्रॉमिस करना पड़ेगा। ये जो खेल तुम मेरे साथ खेल रहे हो ना, उसको ऐसे ही खेलते रहोगे। भाभी ये आप क्या कह रही हैं? हाँ दोबारा कहूँ क्या? समझ गया, आपने तो मुझे डरा ही दिया। ठीक है भाभी अब से ऐसे ही होगा। बिल्कुल सही। क्या बात है जनाब, आज इतना अच्छा मूड कहाँ से बना कर आए हो? हाँ क्या करूँ मेरी जान, तुम्हें देखते ही मेरा मूड बन जाता है। अच्छा आज इतना रोमांटिक मूड क्यों है? मूड ही रोमांटिक है या फिर कुछ और भी? आज तुम्हें बताऊंगा रोमांस किसे कहते हैं। आकाश खुश तो ऐसे हो रहा है जैसे पूरी रात ही रोमांस करेगा, लेकिन अभी 2 मिनट में ठंडा हो जाएगा। क्या बात है, आज तो मेरा गधा घोड़ा बन गया। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मेरा खोटा सिक्का भी डॉलर बन जाएगा, पर चाहे जो भी है मजा आ गया। आज आकाश ने मुझे खुश कर दिया। भाभी कल रात को प्रकाश का फोन आया था। विकी उसे मना कर दो। ठीक है उसको कल बुला लेता हूँ। विकी उसे हमेशा के लिए मना कर दो। जिस सुख की तलाश में मैं इधर उधर भटक रही थी, कल रात वो मुझे आकाश से मिल गया है और अब मैं सेटिस्फाइड हूँ। आकाश बिजनेस के सिलसिले से बाहर नहीं गया था, वो अपनी कमजोरी का इलाज करवाने गया था। काफिया सुनना। हाँ बोलना। यार तेरे पास कोई डॉक्टर है क्या? डॉक्टर क्या हुआ तुझे? तुझे पता तो है मेरे पति का प्रॉब्लम। हाँ 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 मैं चाहती हूँ सब सही हो जाए यार, थोड़ी हेल्प कर दे। हाँ हाँ कर दूंगी यार। और अब वो ठीक है?
जो हुआ सो हुआ, लेकिन अब से मैं आकाश को चीट नहीं कर सकती। भाभी एक बार फिर सोच लीजिए। विक्की मैं सोच समझकर ही बोल रही हूँ। प्रकाश तुमने मुझे यहाँ क्यों मिलने के लिए बुलाया है, और तुम मुझे पागलों की तरह कॉल क्यों करे जा रहे हो? हाँ तुम मेरे कॉल और मैसेज का जवाब क्यों नहीं दे रही हो? विकी ने तुम्हें बताया नहीं, पर मैं तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता हूँ। देखो प्रकाश, हम दोनों के बीच में जो भी था ना सब खत्म हो चुका है। ऐसे कैसे खत्म हो सकता है? तुम अभी यहाँ से जाओ बस। मैं तो चला जाऊंगा, लेकिन हमारे बीच में जो हुआ उसका वीडियो है ना MMS, ये मैं अपलोड कर दूंगा। लेने की कोशिश मत करना, समझी? आज रात को आ रहा हूं तेरे घर। विकी तुम? प्रकाश भाई जैसा बोल रहे हैं करती जाओ, वरना तुम्हारा MMS सोशल मीडिया में वायरल हो जाएगा, समझ गई? रात को आ रहा हूं मैं, ठीक है? तैयार रहना। भाभी जी कैसा लग रहा हूं मैं? आपने याद किया और हम चले आए। बड़े इंटरेस्टिंग लग रहे हो आज, क्या बात है। सो मैं क्या सोच रही थी ना, आज हम क्यों ना कुछ नया ट्राई करें। नया? मैं कुछ समझा नहीं। मेरा मतलब है, वो कहते हैं ना, एक से भले दो, दो से भले तीन, क्यों ना हम अपने इस खेल में विक्की को भी शामिल करें आज, क्या ख्याल है? इंटरेस्टिंग ख्याल है। तो चलो फिर। भाभी जी आपने हमें याद किया और हम चले आए। तो फिर देर किस बात की, खेल शुरू करते हैं। ठीक है चलिए। तुम दोनों को गिरफ्तार किया जाता है। इंस्पेक्टर साहब अच्छा हुआ आप सही समय पर आ गए, इन दोनों ने मेरे साथ बहुत गलत किया और मेरा MMS बनाया। आप इन दोनों को जेल लेकर चले जाइए। भाभी ज्यादा होशियारी नहीं, ये आप क्या कह रही हैं? तुम दोनों का पर्दाफाश हो चुका है, चलो थाने, चल जल्दी, चल चलो। ले जाइए इंस्पेक्टर साहब इनको, चलो ले जाइए इंस्पेक्टर साहब, चलो वापस मत छोड़िएगा। नहीं सॉरी आकाश, मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। नहीं कामनी, तुम्हारी इस परेशानी के पीछे कहीं ना कहीं मैं ही जिम्मेदार हूं। अगर तुम मुझे इन दोनों के बारे में सच ना बताती तो शायद ये कभी ना पकड़े जाते। I'm sorry।